चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किले मैदान में गीता प्रेरणा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और गीता प्रेरणा महोत्सव को इस बार बड़ा स्वरूप दिया गया है। विश्व के अधिक से अधिक लोगों तक गीता का ज्ञान पहुंचे, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। खासतौर पर प्रेरणा महोत्सव की थीम गीता का 18वां अध्याय है और इसी थीम पर इस कार्यक्रम में 18,000 विद्यार्थी, 18,000 आचार्य, 18,000 गीता परिवारजन, 1,800 अध्यापक, 1,800 सैनिक, 1,800 वकील और जजों के साथ ही 1,800 पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के पार्षद शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 1,800 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इन सब के अलावा इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु भी मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व को गीता के ज्ञान से परिचित कराना है, साथ ही साथ आज की युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सके, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अलग अलग 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर आप देखिए, उद्घाटन की तस्वीर है जहां पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के साथ सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन के आगाज किया और उसके बाद राष्ट्रगीत हुआ। सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगीत का सम्मान किया और संदेश दिया कि किस तरह से मानव जाति के कल्याण को लेकर गीता के संदेश महत्वपूर्ण भूमिका आज के दौर में भी निभा सकते हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, मंच की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज नजर आ रहे हैं।